हे एवरीवन, वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी में आपको क्या देखना है कि अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो वी आर बेसिकली अप, क्लियर। हम लोग बेसिकली ये आपके फ्लैग्स बनाते हैं, देन फिर हम ऊपर जाते हैं। अब मार्केट एक बहुत बड़ा फ्लैग बना रहा है, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो हम अप ही हैं, ठीक है। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि हम डे ट्रेड कैसे करने वाले हैं और स्विंग ट्रेड कैसे करने वाले हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझ लें कि फेड की जो रेट हाइक की न्यूज़ आई है उसका सम सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट मार्केट में आएगा, ठीक है। और यूएस मार्केट में तो आ ही गया है, 3% के अराउंड उनकी इंडाइसेस गिरी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका कुछ इम्पैक्ट इंडिया में भी आएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिनिमम 2% का एक गैप डाउन कल ओपनिंग आज में आपको दिख सकता है, ठीक है ना। तो नाउ सबसे पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि 2% कहाँ पर रहने वाला है क्लोजिंग से। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ क्लोजिंग से 2% देखूँ कि भाई 2% कहाँ पर है, 2% आता है, ठीक है जी, 17,549 पे हमने क्लोज दिया था। एंड हम मोस्ट प्रोबेबली हम ओपन करेंगे समवेयर अराउंड 17,200, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं 15 मिनट पे आऊँ, सबसे पहले अगर आपने फिबोनाची वाली वीडियो नहीं देखी, आप जाके देखिए। जब भी बड़े बड़े इस टाइप के कैंडल्स बनते हैं वहाँ पर फिबोनाची लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको प्रिसाइज लेवल समझ में आ जाए कि आपका मेन टाइम फ्रेम पे क्या गेम चल रही है, जिससे आप उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को लाइन कर सकें, ठीक है। तो अगर मैं फिबोनाची लगाऊं यहाँ पर, ये रहा हाई और ये रहा लो, ठीक है। अगर अब आप एक चीज़ देखेंगे, टॉप है एंड दिस इज़ अ बॉटम, इसका 50% आता है यहाँ पर, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं ये जो ब्लू वाली लाइन, दो लाइंस हैं, ये क्या है, वो ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रॉ की है। तो मार्केट बेसिकली उसके नीचे ही है, उसके ऊपर नहीं जा पा रही है, इतना तो क्लियर हो गया। और मार्केट ने क्या किया है, इसके अराउंड रिजेक्ट भी किया है और इसके नीचे भी गई है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर है, अब यहाँ से मार्केट सम सॉर्ट ऑफ अभी 17,578 के अराउंड है, ठीक है, 17,880 के अराउंड है। यहाँ से 2% मार्केट नीचे खुलने का अनुमान है। सो लेट्स सी, यहाँ से अगर मार्केट 2% नीचे खुलती है तो हमें लेफ्ट पे देखना है कि सबसे नियर बाय सपोर्ट्स कहाँ पर हैं, जहाँ पर हम कुछ रिस्पाइट या फिर कोई लेवल्स ढूंढ सकते हैं जहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्लियर। सो नाउ सबसे पहले मैं एक बार से दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर, 2% का मुझे एरिया देखना है। 2% कम्स टू समवेयर, ठीक है, ये एरिया आता है। अब अगर मार्केट इस हिसाब से ओपन होती है तो मैं लेके चल रहा हूँ कि मार्केट 2% डाउन ओपन होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको करना है। लास्ट जहाँ पर एक पॉजिटिव साइन था वो ये एरिया था जो कि समवेयर अराउंड 17,350 था, ठीक है। इसके नीचे मार्केट ने रिजेक्ट किया एंड मार्केट वेंट अप, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब मार्केट दोबारा से अगर यहीं पर कहीं खुलती है 17,250 से 300 के बीच में, तो हमको देखना है कि पहले 15 मिनट में मार्केट क्या करती है। क्या मार्केट दोबारा से कुछ ऐसा करेगी? अगर ऐसा करती है तो फिर हमको बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। आप 5 मिनट में, अगर आप 5 मिनट फॉलो कर सकते हैं तो 5 मिनट कर लीजिए फॉलो। पहले 5 मिनट में आपको फ्लेवर मिल जाएगा कि पहले 5 मिनट पे मार्केट कर क्या रही है, मार्केट क्या रिजेक्ट कर रही है, मार्केट ऊपर जाने में घबरा रही है या फिर मार्केट नीचे जाने में गैप डाउन में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। तो वो चीज़ आपको पहले 5 मिनट में पता चलेगा। अगर 5 मिनट में एक ग्रीन कैंडल ओपन होती है एंड फॉलो अप मिलता है तो उसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। और अगर मान लो 5 मिनट की कैंडल खुली, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल दी, उसके बाद हम लोग ने ऐसे ऐसे करके हम नीचे जाने लग गए, अगर ऐसा कोई हुआ तो उसका मतलब ये है कि 5 मिनट बेसिकली एक छोटा सा ट्रैप था। एंड जो लोग यहाँ शॉर्ट नहीं कर पाए, यहाँ नहीं कर पाए, यहाँ नहीं कर पाए, अब हर एक छोटे मोटे राइज पे भी वो लोग शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को, वो लोग पुट्स खरीद रहे हैं, वो लोग बेसिकली मार्केट में बहुत गंदी तरीके से बेरिश हैं। तो आपको अपने आप को अलाइन करना है। अब अलाइन कैसे आप करेंगे, या तो आप पिवट ब्रेक्स देख लीजिएगा, पिवट्स वैसे काम नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग 2% डाउन खोल रहे हैं तो काफ़ी नीचे होने वाले हैं हम लोग, तो आप लोग वीवैप लगाइएगा, ठीक है। और वीवैप आपका स्पॉट चार्ट पे नहीं लगता है, जो ट्रेडिंग व्यू पर आ भी रहा है वो थोड़ा आगे पीछे है, बट अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक है तो आप कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो वीवैप के नीचे अगर हम लोग
पुल बैक पे या कहीं पर भी रिजेक्शन होता है तो वो आपकी एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर ट्रेडिंग, तो आप ध्यान रखिएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो द प्लान इज इस लेवल से अगर मार्केट रिजेक्ट हो जाती है जो कि आता है 350 से लेके 400, तो मैं यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचूंगा एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ क्लोज के आसपास 600 तक मैं एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी लूँगा, ठीक है। अगर मुझे दोबारा शॉर्ट करना होगा मैं देख लूँगा ऊपर, कोई टेंशन नहीं है, बट जब तक मैं ये चीज़ नहीं करूँगा जब तक आई एम नॉट गोइंग टू डू समथिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया एंड इसके नीचे अगर हम रहते हैं तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर शॉर्ट करूँगा, मतलब पुट बाय करने वाला हूँ मैं, क्लियर है ना। तो बस ये चीज़ हम लोगों को प्ले करनी है और कुछ नहीं करना इसके अंदर। कल के में गैप अप की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो एक ही जगह है जहाँ पर हम लोग अपना गेम प्लान बना सकते हैं और वो जगह आपका 17400 से लेके 17350, ये एक जोन है जहाँ पर हम लोग कुछ स्कोप ढूंढ सकते हैं। और दूसरा जो जोन है वो समवेयर अराउंड 17300 से 250 है। तो अगर इन जोनों पे हमको कुछ अच्छी कैंडल मिल जाए इस तरीके से, ठीक है, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच सकते हैं। 5 मिनट भी एक अच्छा टाइम फ्रेम है, अगर आप लोग प्ले करना चाहते हैं इस चीज़ पे तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो एज पर योर नीड, एंड अगर कैंडल बहुत बड़ी है, स्टॉप लॉस लगाने में घबराहट हो रही है तो मत लगाइए, मार्केट ख़त्म नहीं हो रही है, दोबारा मार्केट आएगी, रिलैक्स करके करना है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, क्लियर। एंड मेक श्योर दैट आप कल सुबह 9:15 से ही मार्केट में बैठें, ठीक है। ये चीज़ ना करें कि 9:30-10 बजे आ रहे हैं, वो चीज़ मत करना, बहुत अपॉर्चुनिटीज तब तक जा चुकी होंगी, फिर आप फोमो में ट्रेड्स लेंगे और गलतियां करेंगे, ठीक है, डोंट डू दैट। सो नाउ अब सबसे पहले हम लोग अब इसके बाद हम आते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर मैं डेली चार्ट देखूं तो बैंक निफ्टी अगर मैं यहां पर, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ मार्केट ने कोशिश की है यहाँ पर जाने के लिए, यहाँ पर जाने के लिए, यहाँ पर गई, वापस नीचे आई, फिर दोबारा एक रीअटेम्प्ट दिया ऊपर जाने का, बट अब कल अगर गैप डाउन हुआ तो हम मोस्ट प्रोबेबली फिर इसके अराउंड नीचे खुलेंगे, तो चांसेस हैं कि हम लोग नीचे जाएं, ठीक है। बिकॉज मार्केट अगर आप देखेंगे, मार्केट ऑलमोस्ट 32500 से मार्केट अप गई है 39500 अगर आप हिसाब लगाएंगे, और अगर मैं परसेंटेज बेसिस देखूं कि मार्केट कितना मार्केट ने राइज किया है, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ से देखूँ 32 से ऑलमोस्ट 20-22% मार्केट ने यहाँ पर बढ़त दी है, ठीक है। तो अगर 20% के करीब मार्केट बढ़ रही है तो यार अगर 5-6% का भी यहाँ से कुछ फॉल हो जाए तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई घबराने की बात है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सो वो देखेंगे हम, ठीक है। एंड अगर मैं देखूँ एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर मैं मोस्ट प्रोबेबली अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ, वो क्या रहने वाला है, वो है 50% और जो आता है 36,000 पे 36,000, ठीक है। तो 36,000 एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मैं स्टॉक्स या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी या जो भी मुझे समझ में आता है वो मैं बाय करने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकता हूँ। बाय नहीं करना, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, अगर मिलेगी तो लेंगे, ठीक है, सीधी सी चीज़ है। तो यह ध्यान रखिएगा, ये हो गया इसका एक सम सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा बड़ा व्यू, ठीक है। अब हम आते हैं 15 मिनट पे, 15 मिनट के अंदर मैं ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। 15 मिनट पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया कि हम लोग गैप डाउन खुलने वाले हैं, तो अगर मैं 2% का हिसाब लेके चलूँ कि 2% यहाँ से कितना रहने वाला है, 2% का हिसाब रहेगा समवेयर एट दिस लेवल, ठीक है ना। तो बेसिकली हम इसके अराउंड खुलेंगे। अब हम थोड़ा लेफ्ट पे आ जाते हैं, तो अगर आप ये देखेंगे हम इस जोन के अराउंड खुलेंगे, ठीक है। अब इस जोन की खास बात और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जोन है ये इसने इधर रेजिस्टेंस दिया था, इस जोन पे ये सपोर्ट दे रहा है, ठीक है ना, सीधी सी चीज़ है, और मार्केट ऊपर गई है। तो अगर 38400 नहीं टिक पाया तो चांसेस हैं कि हम लोग नीचे ही जाएंगे, ठीक है, अगर नहीं टिक पाया तो। ये आप ध्यान रखिएगा, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 438 क्या है ये जोन है 300 से 38250, ये एक जोन है जहाँ पर हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। ध्यान रखिएगा जोन्स को आप मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कल मार्केट शुरू होने से पहले आपके जोन्स आपके सामने रहने चाहिए, तभी आप एक एफिशिएंट ट्रेडिंग कर पाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया।
अब जो गेम प्लान रहेगा वो हमारा इसी जोन के पास रहने वाला है, 38-200 से लेके 400 के बीच में। अगर यहाँ पर हम लोगों को एक गैप डाउन में ग्रीन कैंडल मिल जाती है, वो भी बड़ी अच्छी कैंडल, तो हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग प्ले करेंगे इस ट्रेड को ऊपर के साइड पे, जहाँ पर हम लोग इसका एक रीअटेम्प्ट दोबारा हो सकता है, ठीक है ना, 38-800 का क्लियर। अगर इसके नीचे हम ओपन हुए तो उसके बाद सीधी सी बात है, अगर कोई पुल बैक आता है और रिजेक्ट होता है तो वहाँ पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, क्लियर। तो चीज़ों को बहुत आसान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यही जोन है जहाँ पर आपका या तो ऊपर का ट्रेड बनेगा या फिर नीचे का ट्रेड बनेगा। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 2% के अराउंड गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, ठीक है, सीधी सी चीज़ ये है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। एंड टारगेट्स आप लोग प्ले करिएगा, इतना सेट करने की कोशिश मत करना, बिकॉज नीचे आप लोग कहीं पर भी लाइन डालोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट आएगी। आपको देखना पड़ेगा कि सही में जेन्युइनली ये सपोर्ट यहाँ पर बनी थी नहीं बनी थी, क्या है, तो वो आप थोड़ा चार्ट देखिएगा, आपको लेवल्स मिल जाएंगे नीचे की तरफ। राउंड नंबर का ध्यान रखिएगा, वो मोस्ट प्रोबेबली आपके टारगेट्स बनेंगे, ठीक है, या फिर बुकिंग जोन बनेगा तो वो होगा, ठीक है। अब हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम आते हैं स्टॉक्स पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब अगर कल मार्केट सही में गैप डाउन खुलती है तो एक्सपेक्टेड है कि जो SBI है ये 510 के नीचे ओपन होगा, इसके नीचे ओपन होता है एंड मार्केट्स में भी कंटिन्यूशन आती है, दिख रहा है कि मार्केट जाने को तैयार है नीचे, तो ये एक अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है ना, आप ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इस जोन को लेता हूँ, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स अगर मैं मार्क करता हूँ, तो इसके जहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ हॉल्ट आ सकता है वो 488 के अराउंड है, बिकॉज इस पूरी रेंज का 50% है 488, ठीक है। तो 510 के नीचे, इस जोन के नीचे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग या तो पुट बाय करेंगे या फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे, या बेसिकली कैश में शॉर्ट करेंगे, फ्यूचर्स में शॉर्ट करेंगे, जो आपकी पॉकेट और आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता है वो आप करिए, ठीक है। पहला टारगेट 490 के अराउंड आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। पहले 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने देना बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है, ऑलराइट। और SL हमारा कहाँ रहने वाला है, SL अब देखिए गैप डाउन खुलेगी अगर मार्केट, तो फिर यार मतलब SL लगाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप ये लेके चलो, मैं 510 का अगर लेवल लेके चल रहा हूँ, ये लेवल जो है अगर मैं ये लेके चल रहा हूँ कि इसके नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो कैंडल है इसका जो हाई है 514, ये आप एज एन SL ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिग ग्रीन बार है। अगर इसको मार्केट रिजेक्ट करती है तो चांसेस हैं कि इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट ने दोबारा ट्रेड करने लग गए, तो ये बेसिकली एक फॉल्स मूव था, बेसिकली वीक बायर्स को हटाने के लिए। अगर नहीं किया तो ये सम सॉर्ट ऑफ SL का काम करने वाला है, तो 514 के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू मारुति, ठीक है, मारुति में चीज़ क्लियर है कि 9000 के अराउंड क्या है, एक रेजिस्टेंस है, दैट इज़ तो क्लियर। अब सीधी सी बात है कि अगर हमने इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, जो कि आता है 8600, तो 8600 के नीचे अगर हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो ये क्या मार्केट कर रही है यहाँ पर, हाई लोअर हाई लोअर हाई, क्लियर, लो लोअर लो लोअर लो, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर मार्केट इसके नीचे ओपन कर देती है तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट क्या कर रही है, एक जैसे यहाँ पर जो मार्केट है फॉर एग्जांपल, मार्केट ऊपर गई, हाई बनाया, ठीक है ना, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, लो बनाया, फिर एक हाई बना दिया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, तो बेसिकली एक मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में थी। यहाँ पर वो ट्रेंड चेंज हो गया है, मैंने जो आपको बताया है कि मार्केट ऐसे मूव करती है, ठीक है ना, हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई, एक टाइम के बाद मार्केट क्या करती है, हाई लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वाली चीज़ बनना शुरू हो गई है। तो अगर हम गैप डाउन खोलते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली हम 8600 के नीचे खोलते हैं, तो चांसेस हैं कि हम लोग नीचे अच्छा खासा एक मूव देने वाले हैं, एक बड़ी कैंडल बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर हम 8600 के नीचे ओपन होते हैं, 8600 क्योंकि राउंड नंबर है वो, तो 8600 के नीचे ही हम लोग प्ले करेंगे, हम ज़्यादा सेफ रहेंगे वहाँ पर, ठीक है। और जो SL है, SL हम कहाँ लगाने वाले हैं, SL आप कम से कम 50 पॉइंट्स का SL आप लेके चलिए, तो 8650 के अराउंड आप SL लगा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका ICICI बैंक, ठीक है, डेली पे आ जाते हैं। अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ICICI बैंक बहुत अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, ये पहला पुल बैक दिया था उसने, अब जनरली
ऐसे करके ऊपर जा सकती थी मार्केट, या फिर मार्केट क्या करती, ऊपर चली जाती, ठीक है, ये एक सिचुएशन है। अब अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट कम से कम 850 के नीचे गैप डाउन करेगी। अगर ये 850 के नीचे गैप डाउन किया तो क्या होगा, जो ये लो है, जो हायर लो है, अब ये लोअर लो हो जाएगा, ठीक है, और ये हायर हाई, सॉरी ये हाई, ये लोअर हाई, और फिर लोअर हाई, ऐसे करके सिचुएशन ये वाली बन जाएगी, ठीक है। तो एम सिंपल है, 840 के नीचे, 840 है ना, हाँ 840 के नीचे हम लोग शॉर्ट साइड में प्ले करेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ के लिए, क्लियर है। एंड SL हम कहाँ लगाने वाले हैं, SL हम लगाएंगे मैं बता देता हूँ आपको, अगर हम लोग इसके नीचे ओपन करते हैं तो आप 7 से 8 पॉइंट के अंदर का SL लगा लीजिए, 848 के अराउंड। अगर 840 पे हम शॉर्ट करते हैं, इससे बड़ा SL नहीं लगा सकते, बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि गैप डाउन खुल रहे हैं, लेवल्स एकदम से आगे पीछे हो जाते हैं, वॉलीटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो थोड़ा सा फालतू का रिस्क नहीं लेना इसके अंदर, आप ये ध्यान रखिएगा। तो छोटे छोटे SL ही काफ़ी हैं, अगर हिट होना होगा आपको, आप मार्केट ने आपको हटाना ही होगा, साइडवेज जाना होगा, तो आपका SL हटा देगी वो, बस, और आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, यू हैव नो पावर ओवर देयर, ठीक है। आई होप ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं, मेक श्योर आप दोबारा इसको पॉज करके वो पॉइंट्स लिख लीजिए कि कल सुबह जब 9:15 मार्केट ओपन हो तो यू आर रेडी, ठीक है। 9:15 पे अपना प्लान रेडी मत करना, मेक श्योर आधे घंटे पहले अपना प्लान रेडी करके बैठ जाना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।